राजघाट थाने की पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शरद चंद पाल पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार पाल निवासी खुर्रमपुर वार्ड नंबर 39 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से हत्या में प्रयुक्त जूते की डोरी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 25 जनवरी को अभियुक्त ने अवैध संबंध के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और खुद राजघाट थाने पर पहुंचकर बताया कि उसने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी है और उसे किसी तरह का पछतावा नहीं है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, पांजेहाता चौकी प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल रवि कुमार, फतेह बहादुर, महिला कांस्टेबल अनु सिंह शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, उसके गलत संबंध थे, ये मैं 6 महीने से मुझ पर जानकारी हुई, समझाते समझाते उसको परेशान हो गया। जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट क्षेत्र में कल एक शरद चंद्र पाल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी नीलम, जो कि 47 वर्षीय है, उसको अवैध संबंध के संदेह में उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई। और उसके बाद में घटना के बाद में स्वयं थाने आया और उसने बताया कि मैंने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। और उस सूचना के प्राप्त होने के बाद SHO द्वारा मौके का मुआयना किया गया और वास्तव में देखा पाया गया कि रस्सी से दबा के उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया उसके भाई की तहरीर पर और उसके बाद में उसको अभी आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और उसको जेल भेजा जा रहा है। उसी जो युवक है वही अभियुक्त है, उसी ने अपने पत्नी की हत्या की, उसी को जेल भेजा जा रहा है।